के मऊ जिले में रविवार को शाम आजमगढ़ जनपद से कोपागंज के दोस्त पूरा मोहल्ला में बहादुर सुनकर की लड़की से शादी करने के लिए बारात आया था। बारात आने के बाद लड़की पक्ष ने बारातियों के आभगत भी किया, लेकिन जैसे ही लड़के ने जयमाला स्टेज पर पहुंचा और जयमाला की रस्म पूरी की, उसके बाद दुल्हन को प्रपोज करने के चक्कर में अजीबोगरीब हरकत करने लगा और डायलॉग बोलने लगा। जयमाला के समय दूल्हे ने शाहरुख खान बनने की कोशिश की तो दुल्हन ने भी दूल्हे को सलाखों के पीछे भेज दिया। आप भी देखिए इस वीडियो को। क्या करते हो? फोन मेरी बात पहले। मरते दम तक लेके जाऊंगा वो लड़की के यहाँ से, मरते दम तक लेके जाऊंगा, मांग फ्राक भी लेके जाऊंगा उसी घर से। कौन मेरी बात सुन, आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। वादों से अपने में करता नहीं, मरने से मैं डरता नहीं हूँ, याद रखना। क्या करते हो? क्या करते हो? फोन मेरी बात पहले। मरते दम तक लेके जाऊंगा वो लड़की के यहाँ से, मरते दम तक लेके जाऊंगा, मांग फ्राक भी लेके जाऊंगा उसी घर से। कौन मेरी बात सुन, आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। वादों से अपने में करता नहीं, मरने से मैं डरता नहीं हूँ, याद रखना। है ना, वही मैं जानता हूँ। इसको सीरियस रख, काबू में रख, अपने ज्यादा कानूनी और पुलिस थाना में रख, मत रखाना, समझा? मुझे क्या समझा तू? उतार ना, पुलिस बोला, पूरा थाना बोला, यहाँ पे होगा चले कोई भी आ जाए, मेरा कोई बाका नहीं कर सकता, यार कोई बाका नहीं कर सकता है। ये मजाक मत सोचना, ये सीरियस है, तेरे अंदर जो है ना वो भी मैं जानता हूँ। बाकी इसको सीरियस रख, काबू में रख, अपने ज्यादा कानूनी और पुलिस थाना में रख, मत दिखाना, समझा? मुझे क्या समझा तू? उठा ना, पुलिस बोला, पूरा थाना बोला यहाँ पे। घर का ये जगह पे अपनी नीचे घर में बना के पैदा हुआ हूँ, ये धरती पे उतरा हूँ मैं, याद रखना। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कानून भी हो जाए, चाहे इंस्पेक्टर कोई भी आ जाए, मेरा कोई बाका नहीं कर सकता, कोई बाका नहीं कर सकता है। भैया क्यों बाका ना, मजाक मत सोचना, ये सीरियस है, तेरे अंदर जो है ना वो भी मैं जानता हूँ। बाकी इसको सीरियस रख, काबू में रख, अपने ज्यादा कानूनी और पुलिस थाना में रख, मत दिखाना, समझा? मुझे क्या समझा तू? उठा ना, पुलिस बोला, पूरा थाना बोला यहाँ पे। शुभ नाम क्या है आपका? बाबू कुमार सुनकर। कहाँ का रहने वाला? वाला दोस्त पूरा कोपा में। जो बारात आई है कहाँ पे आई है? भट्टी हमारे घर है, भट्टी पारा से आई है, कुलपुर भट्टी पारा से। क्या मामला हुआ है? मामला तो यही हुआ है कि बारात हमारे घर आई थी, जब जयमाल हो रहा था तो उस लड़का सही काम किया है, लेकिन उसके बाद वो गलत सड़क हलकर करने लगा है, जो
ये आदमी लोग समझाने पर नहीं माना है, कब करने लगा है 3 घंटा समझाने पर नहीं माना, तब पुलिस आई गलत हरकत कब करने लगा है? जब पुलिस आई प्रशासन के सामने किया है गलत, जयमाल के समय किया है, जयमाल पर तो फिर क्या किया जयमाल पर हरकत क्या किया? पुलिस के सामने आई है, पुलिस आई है, पुलिस के सामने मौका दिया गया, 3 घंटा से हम लोग समझा रहे हैं लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पुलिस आई है, पुलिस के सामने स्टेज पर चलकर अनाप शनाप बोले ना पागलों जैसी हरकत कर रहा है, उसके साथ हमारी लड़की के जीवन खराब, हमको नहीं करना है। तो प्रशासन क्या कर रही थी उसको? प्रशासन जो करे और करे, हम तो नहीं करेंगे भाई। शुभ नाम क्या है आपका? डॉक्टर संजय कुमार सोनकर, प्रदेश कार्यकाल से भाजपा, इस मोहल्ले का मैं नागरिक हूँ और मेरे चाचा लगेंगे। कौन सा मोहल्ला है ये? मोहल्ला दोस्तपुरा। इस समय कहाँ खड़े हैं? इस समय मैं उस शादी के प्रांगण में खड़ा हूँ जहाँ लड़के लड़की की शादी हो रही थी। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ कि मामला कोई बता किसी की बातों को कही वाली बात नहीं है, मैं स्वयं वहाँ पे उपस्थित था। लड़का जो है जयमाल के समय, जयमाल पकड़ा ही नहीं है, और नहीं पकड़ा है तो लोग सोचे हैं थोड़ा बीमार होगा। उसके बाद उसको पानी पिलाए हैं, लोग उसको मनाए हैं, 1-1.5-2 घंटा तक मनाए हैं, लोगों को अपशब्द बोल रहा था, मंच से भगा रहा था, उठ के जा रहा था। उसके बाद प्रशासन भी आई है 3 घंटे बाद, हमारे मनाने के बाद नहीं माना, 3 घंटे बाद प्रशासन को फोन किया गया, प्रशासन आया। प्रशासन के आने के बाद वो 1 घंटे प्रशासन भी मनाई, 1 बात नहीं बोला। उसके बाद से मंच पे चढ़ के जयमाल के मंच पर तो पागलों की तरह पूरी हरकत किया है, तो पूरी जनता ये देख लिया कि लड़का पागल है और दिवालिया है, और प्रशासन उसके पागलपन को देखते हुए उसको अपने साथ ले गई है। और प्रशासन ये कही है कि जितना आपका हर जाना होगा मैं इसके तरफ से दिलवाऊंगा, ये कह के प्रशासन अपने साथ पुलिस थाने में ले गई है, और मौके पे हम लोग को बुलाइए, हम लोग जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज सोनकर है। कहाँ का रहने वाले? वो ग्राम भाटिन पर है। कहाँ आए थे आप? कोपा। क्या मामला हुआ? शादी करने आए थे सर, लड़का थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गया, नहीं शादी कर पाया, और अभी जो है कि लड़की के पिताजी मान के भाई समझौता कर रहे हैं कि अब आपस में समझौता कर लो, केस पदार करने से अच्छा समझौता कर लो, मान गए। बस यही हम लोग थोड़ा पैसा वैसे का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो क्या पैसा वापस करने का लोग बताया क्या? हाँ साहब, वो नहीं, हम लोग का समझौता हो गया, अभी देखो पैसा थोड़ा बंदोबस्त करके उनको देना है। इसका मतलब शादी नहीं करना है? हाँ, शादी नहीं होनी है अभी। शादी सर वो कह रहे नहीं करना है, तो हम भी कह रहे हैं कि जब वो मलकारी लड़की वाले बोल रहे तो हमको क्या, आप जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। हाँ, क्या ऐसी बात आ गई थी कि लड़का शादी से इनकार कर दिया था? पता नहीं साहब, वही स्टेट पे हम वो मौके पे तो हम थे भी नहीं, थोड़ा आदमी को अपना पानी पिलाने उलाने लगे, लेकिन अब क्या हो गया क्या नहीं वो तो ऊपर वाला जाने, उससे ज़्यादा क्या कर सकते सर। जब जिस चीज़ का जानकारी एक बैग नहीं हुआ तो उसका